पानीपत के पट्टी कल्याणा गांव में कैरोरामा कंपनी को जमीन देकर यहां अपनी कंपनी खोलने का सपना देखने वाले स्थानीय दबंग नेता मदन छोकर और उसके बेटे की करतूतें परत दर परत खुलती जा रही हैं। जिस कंपनी से करोड़ों कमाने के सपने देखे मदन छोकर की हकीकत तब सामने आई जब एक के बाद एक विभाग में उसकी जांच शुरू हो गई। जो जमीन सरकारी विभागों के अधीन है उसे आगे लीज पर वो कैसे दे सकता था। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची हरियाणा स्टेट खादी के अंबाला कार्यालय, जहां स्टेट डायरेक्टर आई जवाहर ने मदन छोकर की मॉर्गेज की जमीन पर उठे विवाद पर जांच के लिए कमेटी गठित कर दी। जानकारी आप तक पहुंची है और क्या एक्शन? जो हमारी पूजा खादी ग्राम उद्योग संस्था है उसकी एक जमीन जो हमारी जानकारी में आई है वो किसी एक प्राइवेट कंपनी को उन्होंने लीज पे दी है। जो हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है, जो हमारे यहाँ प्रथा है कि खादी की कोई भी संस्था जब कोई काम करती है खादी ग्राम उद्योग आयोग के साथ में, तो वो उस जमीन का क्लेम इक्विटेबल मॉर्गेज हमारे पास करती है। वो इक्विटेबल मॉर्गेज एक साइंटिफिक मेथड में किया जाता है कि और उसको हमारे पास रखा जाता है ताकि कंटिन्यूस हम उनको फंडिंग कर सकें। और उस परिस्थिति में संस्था का फर्ज है कि कोई भी अगर वो कोई लीज है या उस जमीन पे कुछ और काम करना चाहती होगी तो वो खादी ग्राम उद्योग आयोग से अनुमति लेके ही करेगी, और इस केस में उन्होंने ऐसी अनुमति नहीं ली है। जो बाद में अगर जब पता लगा कि पूजा खादी ने ये कर दिया है, आप पूजा खादी पर क्या एक्शन होगा? देखिए, पूजा खादी ने जो लीज जो हमारे इक्विटेबल मॉर्गेज किया है, अब उसके ऊपर हमने एक कमेटी गठित की है जो उसके जो भी ये जो फैक्ट हैं जो भी हैं दोनों वहाँ जाकर वो उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वेरीफाई करके और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। अक्सर ऐसे मामलों में किस तरह की कार्रवाई होती है, एफआईआर या सजा या किस तरह का? देखिए, क्योंकि वो जमीन अभी भी हमारे अधीनस्थ ही है, द लैंड हैज नॉट बीन, हमारे पास ही है और लैंड का राइट्स आज भी हमारे पास है, जमीन कहीं नहीं गई है। उन्होंने ये गलती की है, किसी कंपनी के साथ में टाइप कर लिया, वो उनकी कंपनी और पूजा खादी ग्राम उद्योग के बीच का मसला है। वो मैटर में हम लोगों को, हमें अपनी जमीन जो है उसको जो प्रोटेक्ट करने का हम अपना राइट रखते हैं और उसको हम देखेंगे कि उस पर हमें क्या एक्शन लेना है। आफ्टर कंसल्टिंग विभाग इसको सील कर सकता है? हमारे यहाँ उस तरह से कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जमीन आज हमारे पास है, सील करने का कोई हमारे पास सवाल नहीं उठता है, क्योंकि जमीन जो है वो हम जमीन में इंटरेस्टेड है, जो जमीन हमारे पास इक्विटेबल मॉर्गेज हुई है वो आज हमारे पास है, उसमें कोई राइट नहीं गया है। जिस मकसद से आपके विभाग ने दी वो मकसद तोड़ के दूसरा प्लांट भी लग चुका है, इस हालत में क्या सीलिंग या कोई एफआईआर जो धोखाधड़ी हुई इस पर क्या एक्शन? अभी इस स्टेज पे नहीं बता सकते, क्योंकि अभी हमने अपनी एक इंक्वायरी कमेटी गठित की है, जो इंक्वायरी कमेटी के निर्णय उसके जो आउटपुट हैं उसके आने के बाद में हम अपने केंद्रीय कार्यालय से संपर्क करके परामर्श करके उसको पूर्ण निर्णय लिया जाएगा। इस कमेटी के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे, कितने लोगों की कमेटी और कितने समय तक उम्मीद है? देखिए, कमेटी की जानकारी अभी दे पाना मुश्किल है, क्योंकि कमेटी के कुछ लोग अभी टूर वूर पे हैं, तो कमेटी का जो गठन है उसमें हम ऑडिट वाले रहते हैं, खादी वाले रहते हैं और जो कानून को जानते हैं वो रहते हैं। ऐसे इस तरह की छोटी कमेटी बनती है दो या तीन लोगों की, वो जाकर उसके ऑडिट वाले ऑडिट का काम क्या कर रहा है, क्या हुआ है, कितना इन्वेस्ट हुआ है, क्या हुआ है बैलेंस शीट में, सब देखा जाता है। खादी वाले ये देखते हैं कि जिस गतिविधि के लिए खादी का काम दिया गया है उसके लिए काम हुआ है नहीं हुआ है, ये देखा जाता है। और इसी तरह लीगली वेदर इट इज व्हाट इज द पोजीशन, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी हम लोग जाके देखेंगे कि एंट्रीज क्या है,
किस परिस्थिति की एंट्रीज है, क्या पोजीशंस हैं, ये देखी जाता है। उम्मीद की जा सकती है एक महीने के अंदर रिपोर्ट आ सकती है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि एक महीने में। मामला केवल खादी की जमीन का ही नहीं, हरियाणा स्टेट वक्फ बोर्ड की जमीन को भी मदन छोकर ने अपने कब्जे में लिया हुआ है और 60 साल के लिए केरारामा कंपनी को पट्टे पर देने का लिखित रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है। हमने अंबाला में ही वक्फ बोर्ड के अधिकारी दीन मोहम्मद से पूछा तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। अभी स्टेट अफसर पानीपत से हमने पता किया था, वो बता रहे हैं कोई लीगल नोटिस भी आया उस बारे में। इसको अभी आपने भी एक कोई चिट्ठी भेजी थी मुझे सुबह, तो उस पर जो है हमने वो फॉरवर्ड कर दिया अपने स्टेट अफसर पानीपत को, तो वो उस पर एग्जामिन करवा रहे हैं। उनसे मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, उसके बाद ही बता पाएंगे हमारी है या नहीं है जमीन। कार्रवाई तभी हो पाएगी जब हमें ये पता चले हमारी जमीन है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो किस तरह की कार्रवाई होती है? उस खिलाफ क्रिमिनल भी कार्रवाई होती है, सिविल में भी जाता है। कार्रवाई जो भी बनेगी उन्हें जो है ऑफिसर से परमिशन ले कार्रवाई भी करेंगे, अगर हमारी जमीन के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है तो। अभी तो यही पता नहीं है कि हमारी जमीन है भी नहीं है। एक के बाद एक करते हुए कई विभाग मदन छोकर और उसके बेटे अभिषेक पर कानूनी शिकंजा कसकर उसके खिलाफ FIR करवाने को तैयार हैं। एक FIR पहले ही केरोरामा कंपनी के मैनेजर राजा चौबे से मारपीट की पहले ही हल्दाना पुलिस चौकी में दर्ज है। अब इन सभी जांच के बाद खादी और वक्फ बोर्ड के अधिकारी भी फाइलें खोलकर जांच शुरू कर चुके हैं, साथ ही डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर भी उनकी अन्य जमीनों की जांच कर रहे हैं। नतीजा जल्द ही आपके सामने होगा। अंबाला से पत्रकार योगराज शर्मा की रिपोर्ट।